नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बीके, मैं हूँ आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। बड़ी खबर आ रही है झांसी के रक्षा थाना क्षेत्र पर, जहां पुलिस और मुठभेड़ की अभी हाल में मुठभेड़ हुई है पुलिस और बदमाशों की। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि परिहार हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। रवि, कौन थे बदमाश जिनकी झांसी पुलिस से मुठभेड़ की बात सामने आ रही है? जी नवीन जी, मैं आपको बता दूं कि आज रक्षा थाना क्षेत्र के बाजना के पास एक पुलिस और एसओजी टीम चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ मध्य प्रदेश के अंतर्राज्यीय बदमाश झांसी में किसी लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। तो पुलिस द्वारा जब उनको घेराबंदी की गई, उनको रोका गया, तो मौके पर जो बदमाश थे उनके जो असलहे थे उन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया, जिसमें पुलिस की गाड़ी में बदमाश की गोली जा लगी। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई तो जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पुलिस की गोली जा लगी, वहीं दो बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले हैं। बताया ये गया है कि जो ये बदमाश हैं ये मध्य प्रदेश के डबरा के में अंतर्राज्यीय लूट करने वाले सात्र बदमाश हैं और इनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये झांसी में किसी एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को झांसी के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है और आगे की पूछताछ जारी है कि झांसी में आखिर वो किसको निशाना बनाने वाले थे। और उससे पहले ही पुलिस से उनकी मुठभेड़ हो गई है और पुलिस उनके अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। रवि, ऐसा कई बार देखने को मिल रहा है, पिछली बार भी मुठभेड़ हुई थी, बदमाश पकड़े गए थे चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए, वो उत्तर प्रदेश में आते थे, और इस बार भी यही देखने को मिल रहा है कि मध्य प्रदेश की सीमा को लांघ कर वो झांसी में या उत्तर प्रदेश की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि चोरों को या बदमाशों को उत्तर प्रदेश का एरिया ज्यादा मुफीद नजर आ रहा है, क्या पुलिस यहाँ कमजोर पड़ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कुल मिलाकर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए तो बुंदेलखंड की राजधानी झांसी को कहा जाता है और जहां पर बदमाश जो हैं वो अपना पहचान छुपाकर बड़े ही आसानी से झांसी में दाखिल होते हैं और यहां पर आराम से किसी एक बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से झांसी के जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार एक्टिव मूड में है और अपराधियों के खिलाफ लगातार जो कार्रवाई बनी हुई है उससे कहीं ना कहीं अपराध में तो ग्राफ में कमी आई ही है, इसके साथ ही जो अपराधी हैं उनको चिन्हित करने की कार्रवाई लगातार जारी बनी हुई है। और जिस तरीके से आपने जो बताया कि मध्य प्रदेश के जो लोग हैं जिनको ये वो लोग हैं जो किसी के एक व्यक्ति के कहने पर ये झांसी में आते हैं, कुल मिलाकर अगर जो सारे तथ्य जो भी हैं इस पूरी कहानी के वो खुलकर सामने आएंगे, वो पुलिस जांच कर रही है। लेकिन कहने की बात अगर कही जाए तो झांसी में जिस तरीके से बदमाशों के खिलाफ लगातार पुलिस की गोली बोल रही है उससे कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले पस्त जरूर हुए हैं। रवि, जो ये मुठभेड़ हुई है अक्सर देखा जाता है कि इनामिया बदमाश होते हैं, पुलिस को सूचनाएं मिलती हैं, तो क्या ये जो आरोपी जो पकड़ा गया है जो मुठभेड़ में घायल हुआ है उस पर कोई आपराधिक इसका कोई आपराधिक इतिहास सामने आया है अभी? जी बिल्कुल, इसका बताया ये गया है कि इसका एक अच्छा खासा आपराधिक इतिहास है और मध्य प्रदेश के दतिया डबरा सहित अन्य थानों में भी इसके खिलाफ कई लूट और छिनैती और चोरी जैसे मामले कई संगीन धाराओं में इसके खिलाफ दर्ज हैं और जो आरोपी है वो उसका नाम इमरान उर्फ इम्मू बताया गया है और उसको अभी झांसी के मेडिकल कॉलेज में उपचार किया जा रहा है। उसके बाद उपचार के बाद उससे और पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में उसके जो अन्य साथी जो फरार हो गए हैं उनके बारे में भी पूछताछ की जाएगी और उनको पकड़ने का भी पुलिस द्वारा लगातार प्रयास जारी है। बहुत शुक्रिया रवि इस पूरी जानकारी के लिए। आज स्वाट टीम प्रभारी तथा थाना अध्यक्ष रक्षा की पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तीन बदमाश दतिया से भितरवार करहरा होते हुए जाने वाले हैं। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष रक्षा की टीम तथा स्वाट टीम प्रभारी तथा चौकी इंचार्ज डुंगरी की टीम के द्वारा चेकिंग प्रारंभ की गई थी। तीन बदमाश बिना नंबर की गाड़ी से आते हुए जब दिखाई दिए इनको रोका गया, ये रुके नहीं बल्कि बाजना रोड पर अपनी गाड़ी बढ़ा दी। इधर से डोंगरी चौकी इंचार्ज ने जब इनको घेरा और दूसरी तरफ से स्वाट टीम और थाना अध्यक्ष रक्षा की टीम ने घेरा, अपने को घिरता हुआ देख करके एक बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में
एक बदमाश को पैर में गोली लगी, इसको हिरासत में लेकर के पूछताछ किया गया तो इसने अपना नाम एम्मू उर्फ इमरान, जिसकी उम्र करीब 28 वर्ष है तथा इस पे करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें डकैती, लूट और एक्सटार्शन के भी मुकदमे दर्ज हैं। बाकी इसके दो साथी भागने में फरार हुए हैं और इन्होंने बताया कि ये डबरा में किसी सुनार की दुकान में जल्दी ही लूट करने वाले थे, जिससे इनको उम्मीद थी कि करीब 50 लाख रुपए की ज्वेलरी इनको मिली थी। इसीलिए इनके साथियों ने अभी कुछ दिन पहले ही इनको जेल से जमानत कराई थी कि ये बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। हाँ बिल्कुल, जो दो साथी इनके भागे हुए, इनके हम लोगों ने काम्बिंग की है यहाँ, लेकिन अभी पकड़ में नहीं आए हैं, इनको भी यथाशीघ्र हम लोग पकड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसा आप देख रहे हैं कि पुलिस की गाड़ी पर भी फायर किया गया, जिसमें गाड़ी की का शीशा भी इसमें टूटा है। फिलहाल ये थी अभी इस समय की बड़ी खबर, और आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पीके के साथ।